सो गाइस, आप लोग चाहे कितने भी रिच हो, बट जब आप लोग डॉग्स को परचेज करते हो तो भाई आप लोग बारगेनिंग करके यही सोचते हो कि हमें कम से कम प्राइस में डॉग्स मिल जाएं। लेकिन आज की वीडियो को देखकर आप लोग चाहे रिच हो या फिर आप लोगों का ज्यादा बजट ना हो तो भी आप लोग डॉग्स को परचेज कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो है 4,500 रुपीज, यानी 4,500 रुपए। तो अगर आप लोगों के पास इतने पैसे भी है ना तो भी आप लोग आज की वीडियो के थ्रू एक डॉग को परचेज करवाओगे, और वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे दो डॉग ब्रीड के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है अमेरिकन बुली और सेकंड है पिटबुल। वैसे गाइस, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अमेरिकन बुली और पिटबुल दिखने में सेम होते हैं तो दोनों एक ही डॉग ब्रीड है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर और नेचर बिल्कुल अलग होता है। तो गाइस, फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये अमेरिकन बुली पपीज हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में हैं और काफी अच्छे कलर में भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पपीज जो हैं ये स्टैंडर्ड साइज में, जो कि इस ब्रीड का सबसे फेमस साइज है और मोस्ट लोग इस साइज को ही परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे पपीज अभी थोड़े छोटे हैं, बट इसी एज में आप लोगों को इनका हेड साइज दिख रहा होगा जो कि काफी अच्छा है। तो गाइस, पॉकेट साइज के अमेरिकन बुलीज को आप लोग कहीं पर भी रख सकते हो, अगर आप लोगों के पास ज्यादा स्पेस भी ना तो वहाँ पर भी कंफर्टेबली रह सकते हैं, या फिर कितनी बड़े घर में भी रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अमेरिकन बुली एंड पिटबुल दोनों ही ऑलमोस्ट नॉन हेयरी डॉग ब्रीड है, जिनके कोट को मेंटेन रखने की ना तो कोई टेंशन होती है और ना इनके हेयर फॉल को लेकर इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस, ये जो अमेरिकन बुली पपीज है आज से एग्जैक्ट 30 डेज के हो चुके हैं, और उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड किया वो मेल की के 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए, एंड फीमेल की के 10,500 रुपीज, यानी 10,500 रुपए। और परचेज करने से पहले इनके पेरेंट्स के बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें। वैसे वो पीस होम ब्रीडिंग के हैं तो डायरेक्ट जाकर भी मदर को तो देख ही सकते हो, बट फादर की फोटो वीडियो आप लोगों को पर्सनली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पिटबुल पपीज के बारे में, और इनमें भी आप लोगों को काफी अच्छे कलर्स और काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो गाइस, ये जो पिटबुल पपीज है ना ये आप लोगों को बिल्कुल कम प्राइस में मिल जाएंगे, आप लोग चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को। एंड ये पपीज जो है ये भी होम ब्रीडिंग के हैं और ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो पिटबुल एक काफी अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड होती है और ये काफी एक्टिव और एनर्जेटिक भी होते हैं, और इसी वजह से इनके ऊपर थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी इन्हें रनिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि भाई अगर आप लोग ये नहीं कराओगे तो इनमें थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। वैसे पपीज जो है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी में रेड नोज में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अमेरिकन बुली के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, अगर इन पिटबुल के बारे में बात करें तो ये पपीज 34 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है सोनीपत मुरथल रोड से। एंड डिलीवरी की बात करें तो ऑफकोर्स ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करने का, बट डिलीवरी पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते, थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आकर ही परचेज करें तो ज्यादा बेटर है। एंड फाइनली अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज की क्वालिटी आप लोग देख ही चुके हैं काफी अच्छी है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की वो मेल की 6,500 रुपीज, 6,500 रुपए, एंड फीमेल की है जस्ट 4,500 रुपीज, यानी 4,500 रुपए। एंड दोस्तों, ये प्राइस भी फिक्स नहीं है, तो बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। और वीडियो भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।